तो हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय हम एक्चुअल में निकालते हैं जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी को निकालने के लिए हमें इसके कंपोनेंट मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया, जिन बच्चों ने नहीं देखी उसे ज़रूर देखें, वो तभी कैलकुलेट कर पाएंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो हमारी बात आती है कि क्या क्या कंपोनेंट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इसके अंदर चार कंपोनेंट मेन इंक्लूड होते हैं, तो मैं यहाँ दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला कंपोनेंट, ठीक है, पी एफ सी ई, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेकंड, जी एफ सी ई, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, जी डी सी एफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि दो तरीके का है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट। ओके, तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो यहाँ क्लियर कर देता हूँ मैं, एक्सपोर्ट का मतलब होता है चीज़ को भेजना। जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड विदेशों में ज़्यादा होती है तो उस टाइम हम प्रोडक्ट को भेजते हैं, तो इसे एक्सपोर्ट कहते हैं। ओके, यानी कि हमारा प्रोडक्ट उनके लिए सस्ता है उनके प्रोडक्ट से, तो इसलिए डिमांड बढ़ेगी। फिर बात आती है इम्पोर्ट की, तो यहाँ पर चीज़ मंगाना इम्पोर्ट कहलाता है। जब हम विदेशों से चीज़ों को मंगाते हैं, टेक्नोलॉजी मंगाते हैं, जापान से टेक्नोलॉजी आती है भारत में, तो वो हो गई इम्पोर्ट। क्लियर? तो हमारे ये जो कंपोनेंट हैं, इन सबको अगर ऐड कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, तो हमारा जीडीपी एमपी तैयार हो जाता है। क्लियर है? तो बेटा जीडीपी एमपी मेन कंपोनेंट है, आपने ये बना लिया तो समझो हाफ नेशनल इनकम तैयार हो गई। मैंने हाफ क्यों बोला, फुल क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसके आगे अभी हमारे तीन स्टेप बचते हैं, तो हम जरा उन तीन स्टेपों पर आते हैं। जीडीपी एमपी जैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड से तैयार हो जाए, तो तुरंत उसमें से आप क्वेश्चन में देखें डेप्रिसिएशन है। ओके, डेप्रिसिएशन है, उसे माइनस कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखें नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि एनआईटी कहते हैं शॉर्ट में। तो ये कैसे निकलता है कि इनडायरेक्ट टैक्स, यानी शॉर्ट में लिखा है यहाँ आईटी, यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से जब सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर में से छूट को माइनस कर देना। ठीक है, तो उससे हमारा एनआईटी निकल के आता है, जिसे कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये तुरंत चेंज हो जाएगा एनडीपीएफसी में। ओके, तो ये चीज़ आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जी को एन में चेंज करना है तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, एमपी को एफसी में चेंज करना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा। डन, तो हमारे कंपोनेंट तैयार हो गया। अब इसे मुझे नेशनल इनकम में बदलना है, तो नेशनल इनकम बोलते हैं एन एन पी एफ सी। तो आपको ये दिख रहा होगा सारे कंपोनेंट सेम है, बस डी बीच में, यहाँ पे डी है और यहाँ बीच में एन है। तो ये होता है हमारा डोमेस्टिक और ये होता है हमारा नेशनल। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे बदले, ये इस तरीके से समझे कि आप अपने कमरे में बैठे हैं तो वो डोमेस्टिक है, और मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो मैं नेशनल में बन जाऊँगा, बाहर से चीज़ें आ जा सकेंगी। तो ये जो बाहर से चीज़ें आने जाना है, तो यहाँ पे हम इसका एक नाम लेते हैं एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से आने वाली इनकम। क्लियर? तो मेरी इनकम है, तो यहाँ पे मैंने फ्रॉम वर्ड यूज़ करा है, तो इसलिए प्लस हो रहा है। अगर यहाँ फ्रॉम की जगह पे टू होता तो ये इस टाइम यहाँ माइनस होता। क्लियर? पर मेन चीज़ क्या है कि अगर प्लस करो या माइनस करो, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है डी से एन में। तो यानी कि ये बन जाता है एन डी पी एफ सी की जगह एन एन पी एफ सी। इसे ही बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं इसे? नेशनल इनकम। तो बच्चों हम एक न्यूमेरिकल की सहायता से एक्सपेंडिचर मेथड को क्लियर करते हैं। ओके, तो आते हैं हम एक न्यूमेरिकल पे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन को तीनों मेथड से करना है, वैल्यू एडिट से भी, इनकम मेथड से भी, एक्सपेंडिचर मेथड से भी। तो आज पहले हम इसे एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे, ठीक है, इनकम से और वैल्यू एडिट से मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा जरूर, तो बच्चे उसे देखना ना भूलें। पर एग्ज़ाम के व्यू से एक्सपेंडिचर मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में, एग्ज़ाम में, फर्स्ट में, आपके प्री बोर्ड में, सब में एक्सपेंडिचर मेथड आ रहा है। तो ज़रा देखें क्या क्या हमें दे रखा है। यहाँ दे रखा है ग्रॉस वैल्यू एडिट बाय प्राइमरी सेक्टर 1600, ग्रॉस वैल्यू एडिट बाय सेकेंडरी सेक्टर 2500, ग्रॉस वैल्यू एडिट बाय द टेरिटरी सेक्टर 1200, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई 1500, रेंट एंड रॉयल्टी 1000, इंटरेस्ट 450, मिक्स इनकम, ओके मिक्स इनकम 600, ओके प्रॉफिट 550, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर कंजप्शन एक्सपेंडिचर 3
1500, government final consumption expenditure 650, gross domestic capital formation 1300, net export minus 150, net indirect tax 700, depreciation 500, net factor income from abroad 100. क्लियर? तो हमारे पास ये सारे आइटम गिवन है, डन. पर हम तो सिर्फ वो लेंगे जो हमारे काम का है. तो हमारे काम का इसमें क्या क्या है, हमें इसी चीज को मेन देखना है बेटा कि हमारे काम का इसमें क्या क्या है. ओके, तो मैं जरा उन चीजों में मार्क करता हूं. सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए, तो मैंने आपको एक टेबल थोड़ी देर पहले समझाई थी, इस टेबल पर दोबारा चलते हैं. तो टेबल में देखिए हमें क्या क्या चाहिए, पी एफ सी ई, जी एफ सी ई, जी डी पी सी ई एफ और एक्स माइनस एम, इतना हमें चाहिए सबसे पहले. क्लियर? तो इन चीज़ों को हम यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास ये है या नहीं है. ओके, तो क्वेश्चन में हमारे पास ये आइटम है. सबसे पहले हमें चाहिए प्राइवेट कंजप्शन फाइनल एक्सपेंडिचर. तो आपको दिख रहा होगा ये है आपका नाइन्थ पॉइंट पे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. तो एक्सपेंडिचर है इसलिए हम जरूर लेंगे इसे. फिर हमारा यानी कि ये हमारा आ गया क्या, पी एफ सी ई. क्लियर? दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि ये हमारा क्या निकल के आ गया, जी एफ सी ई. ओके, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हमारे पास क्या निकल के आ गया, जी डी सी एफ. ओके, नेक्स्ट था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का माइनस. तो यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, डायरेक्ट दे दिया इन्होंने नेट एक्सपोर्ट. तो यानी कि हमें गिवन है एक्स माइनस एम ऑलरेडी. तो हमारे पास चारों कंपोनेंट आ गए, यानी इन चारों को अगर हम जोड़ लें तो हमारा तुरंत तैयार हो जाएगा, क्या चीज़ तैयार हो जाएगी, जी डी पी एम पी. जब जी डी पी एम पी तैयार हो जाएगी तो मैंने आपको बताया था इसमें से माइनस कर दीजिए डेप्रिशिएशन. ओके, जैसे आप डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे उसके अंदर माइनस कर दीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स. तो ये रहा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये भी माइनस कर दीजिए. क्लियर? डेप्रिशिएशन माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है, तुरंत ये तैयार हो जाएगा आपका किसमें, एन डी पी एफ सी में, एन डी पी एफ सी. क्लियर? एन डी पी एफ सी तैयार हो गया. जैसी एन डी पी एफ सी तैयार हो जाए उसमें से प्लस कर देना है आपको नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड. ये रहा, यहां पे जोड़ दो एन एफ आई ए, डन. जैसी आप इसे जोड़ेंगे ये तुरंत चेंज हो जाएगा नेशनल इनकम में, जो आपको चाहिए एन एन पी एफ सी. ओके, हमने सारे कंपोनेंट ढूंढ लिए, इनकी सिर्फ कैलकुलेशन करनी है. तो कैलकुलेशन देखिए, ये देखिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन 3500, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन 650 था, ऊपर देख सकते हैं आप. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1300, नेट एक्सपोर्ट माइनस 150. अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इस माइनस को लेते ही नहीं है इसलिए गलत हो जाता है, प्लस कर जाते हैं. तो ध्यान रखना है प्लस माइनस माइनस होता है. क्लियर? इन सबको ऐड करना है, इसे माइनस करना है, यानी कि इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 5300. तो ये क्या बन गया, जी डी पी एम पी. माइनस करना है डेप्रिशिएशन, देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया था ना, माइनस करना है डेप्रिशिएशन. तो डेप्रिशिएशन माइनस करा 500 रुपये माइनस होंगे. फिर माइनस करना है एन आई टी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा कितना है, 700 है. ये रहा 700, तो इसे आ गया 700. तो ये तुरंत चेंज हो जाएगा किस में, एन डी पी एफ सी में. तो एन डी पी एफ सी कितना आ गया, 4100. क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है आपका कि आपको माइनस प्लस करना है एन एफ आई ए, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड. तो मैंने यहाँ बताया था, ध्यान रखना है फ्रॉम हो, यहाँ फ्रॉम है इसलिए हम इसे यहाँ पे प्लस कर रहे हैं. जैसे हम इसे प्लस करेंगे किस में चेंज हो जाएगा, नेशनल इनकम में, यानी एन एन पी एफ सी में. ओके बच्चों, तो यानी कि आप 10 सवाल ना करके इसी एक सवाल को ध्यान से करते हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं. इसे कहते हैं नेशनल इनकम निकालना एक्सपेंडिचर मेथड से. धन्यवाद. अगर आपको ये पॉइंट समझ आता है तो मेरी वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें. मैं गौरव त्यागी द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से.